है जरा बाउंड्री का अंदर, ये है यहाँ पर एक खंडर है, पुराना सा खंडर, इसमें बाद में मैं इसको इसमें आता हूँ। अभी फिलहाल जो एंट्री पॉइंट है यहाँ पर, जो यहाँ पर मंदिर की तरफ एंट्री होता है मेन रोड से उदयपुर से आता है, ये उदयपुर से आने वाला रास्ता ये है। जो आगे ग्राउंड दिख रहा है वो पार्किंग एरिया भी है, वहाँ पर गाड़ी वगैरह पार्किंग करता है जब यहाँ मेला लगता है। यहाँ पर जैसे एंट्री होता है राइट साइड में यह खंडर पड़ता है, जो भी इसके अंदर में काफ़ी पुराना सा बिल्डिंग है, और इसके साथ यहाँ पर कुछ एक दुकान है। यहाँ पर एक मैप चार्ट बनाया गया है, जो ये यहाँ पर जितना भी टूरिस्ट प्लेसेस है त्रिपुरा में, ये है यहाँ का डिस्टेंस चार्ट, और जो यहाँ पर उस इलाके का जो जहाँ जहाँ ये टूरिस्ट प्लेसेस है उसके नाम, और पीछे में एक शायद होटल है, जो ये रास्ता जाता है ये मंदिर की तरफ जाता है। मैं फ़िलहाल अभी जो मंदिर है जो दिख रहा है आगे को, वो मंदिर काफ़ी पुराना है, बहुत पुराना, 1967 का ये बना हुआ है, जो यहाँ पर गोविंद माणिक्य इसको बनाया था। और यहाँ पर छोटा सा पार्किंग भी है जहाँ पर ये गाड़ी वगैरह खड़ा रहता है, और यहाँ पर एक जो यहाँ वेलकम टू भुवनेश्वर टेम्पल राजनगर डिस्ट्रिक्ट गुमती है, ये इस लोकेशन का नाम राजनगर है। और यहाँ पर यही जो मैं बताया था जो एंट्री पॉइंट है यहीं से आता है, ये एंट्री पॉइंट यहाँ से आके सीधा इसी रोड ये यहाँ पर भी सामने में एक पार्किंग है, जो कि वहाँ पर एक शेड है, और लेफ्ट में बाएं को यहाँ पर मंदिर को, माँ का मंदिर को शिफ्ट किया गया है। मैं फ़िलहाल जो पुराना सा मंदिर है, पुराना मंदिर है, मंदिर के पास हूँ, और मैं मंदिर को शामिल कर रहा हूँ इसमें। मैं इससे पहले मैं इसके बारे में कुछ एक जानकारी देना चाहता हूँ, जो यहाँ पर बांग्ला में इसके बारे में हिस्ट्री, इसका जो हिस्ट्री है उसको बनाया गया है। भुवनेश्वरी मंदिर राजा, यहाँ पर जो राजनगर जिला गुमती त्रिपुरा, ये महाराजा गोविंद माणिक्य का बना हुआ मंदिर है, 1967 का बना हुआ है ये, जो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर इसका कुछ इंस्ट्रक्शन है, जो कि इस लोकेशन में आपने क्या करना और कुछ क्या नहीं करना, यह है इसका जो एरिया, ये जो इसका एरिया है। मैं अभी फ़िलहाल मंदिर का जो अंदर का कुछ एक बात है, जो इसके क्या क्या कैसे बना हुआ है, इसके बनावट को मैं थोड़ा दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा जल्दी इसको शॉर्ट वीडियो में इसको आपको दिखा के इसको आपको अच्छा लगेगा। यह है इसका फ्रंट फेस, ये मंदिर का फ्रंट फेस है, और ये इसके जो एरिया है ये काफ़ी हाइट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाई नहीं देता, यहाँ पर दरवाज़ा है, अंदर में कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अभी लॉक किया हुआ है। इसका जो फ्रंट फेसिंग एरिया है, इसका जो फ्रंट फेसिंग एरिया चारों तरफ फ्रंट फेसिंग एरिया है, दिन फॉर फर्स्ट केजी फर्स्ट केजी तीन रिश्ती हो रही है। ये यहाँ पर काफ़ी पुराना ईटे का बना हुआ है, यहाँ पर देखने लायक यहाँ पर ये जो मैं मंदिर का एरिया दिखा रहा था, ये चारों तरफ का मंदिर का लोकेशन है। और ये दोस्तों बारिश हो रहा है, काफ़ी बारिश हो रहा है, ये जो पार्किंग एरिया है ये है, और यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा लोकेशन है जो देखना सुना है, ये मंदिर का जो एरिया है यहाँ पर दिखाई देना, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पुराना है सुमन। फिलहाल मैं अभी जो माँ का मंदिर टेम्पल को यहाँ से शिफ्ट किया गया है, यहाँ से शिफ्ट करके इस तरफ लेके गया है, तो मैं उसको लेके जा रहा हूँ जो माँ, जहाँ पर माँ का टेम्पल है। ये है जो माँ का, भुवनेश्वरी माता का, जो यहाँ पर माँ का
मूर्ति है, माँ शायद माँ इधर विराजमान है, जो माँ का यहाँ पर जो मंदिर है, मैं पहले माँ को लिया यहाँ पर, ये दर्शन स्थल है जो कि इस मंदिर को पहले बाद में वहाँ से लाके इस मंदिर में माँ को शिफ्ट किया गया है। यहाँ का जो कहानी है काफ़ी लंबा चौड़ा कहानी है। यहाँ पर पहले जो कहानियों में बहुत कुछ बताया गया है जो कि पूरा मेरे को अच्छी तरह मालूम नहीं है। ये जो मैं खंडर बता रहा था खंडर के बारे में, ये है जो खंडर का गेट है, मैं अभी खंडर का अंदर घुस गया। ये खंडर का एरिया में यहाँ पर बहुत काफ़ी पुराना एक बिल्डिंग बना हुआ है जो यहाँ पर मैं अभी इसको शामिल कर रहा हूँ। मैं फ़िलहाल खंडर के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर बना हुआ ये काफ़ी पुराना सा खंडर है जो इसका एंट्री साइड है, जो मैं इसका अंदर अभी एंट्री करूँगा और एंट्री में मैं इसको शामिल करूँगा। अभी थोड़ा सा अंदर का सीन है जो अंदर में कैसा है। यहाँ है राजर्षि मुक्त मंच। ये काफ़ी पुराना बना हुआ है जो खंडर है, इसका छत नहीं है। यहाँ पर देखने लायक है, काफ़ी अच्छा। और मैं फ़िलहाल अभी ये जो अंदर में खंडर के अंदर पहले भी आया था अभी, और फ़िलहाल इसके अंदर में जबकि इसके अंदर दिखा, इसका जो ईटा बना हुआ है पुराना, इसी कोई छत नहीं है, बिना छत का। बारिश हो रहा है दोस्तों, जिसके कारण वीडियो अच्छा नहीं होगा, पता नहीं, अंधेरा सा है अंदर अंदर में। और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ घूमने, और कुछ इस तरह इसके अंदर में भी कुछ सेम है, फ्रंट फेसिंग और रियर फेसिंग सेम है। ये रेयर फेसिंग है और मैं अभी जो इसके अंदर जस्ट मैं दिखाना था, ये पुराना सा खंडर है, इसके लिए मैं यहाँ पर आया कि यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर पहले आदमियों को बलि दिया जाता था, और जो बलि वाला लोकेशन है ये है, आदमी को बलि दिया जाता था यहाँ पर बलि का लोकेशन है पहले, ऐसा सुना है कोई, मैंने देखा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, जो भी देखा होगा अब तो ज़िंदा नहीं है, लेकिन ये जस्ट एक बातचीत है। और मैं फ़िलहाल डाउन स्टेयर में नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पर एक अच्छा सा लोकेशन बना हुआ है, तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर तो यहाँ पर ये खंडर दिखाऊंगा, ये खंडर पूरा अभी यहाँ पर जो दिखाया गया मेरे अमर लोग, यहाँ पर ये फिनिश होता है। यही है जब जो भुवनेश्वर टेंपल का जो मेन प्लेसेस है, थोड़ा सा लोकेशन है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन काफ़ी पुराना है, 1967 का बना हुआ, काफ़ी पुराना है, राजा का अमल का बना हुआ बोल के थोड़ा फेमस है। और यहाँ पर इसीलिए आदमी लोग यहाँ का त्रिपुरा का जो आदमी लोग जो देखा नहीं यहाँ पर देखने के लिए आता है, काफ़ी फेमस है लेकिन पुराना है इतना, इसको अभी भी इतना न्यू मॉडर्न इसको बनाया नहीं है, और पता नहीं कब ये बनेगा, देखते हैं। हम अगले बार कभी आएंगे तो शायद इससे अच्छा मिल जाए देखने को। दोस्तों यहाँ पर ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो रहा है ब्लॉग। जय हिंद जय भारत, आज के लिए यहाँ समाप्त करते हैं इस ब्लॉग को। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों, और कोशिश करेंगे और अच्छा नया जो प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, उसको इसमें शामिल, अगले ब्लॉग में शामिल करूँ। जय हिंद।